स्वैग से सभी का स्वागत है और आज की इस क्लास में हम लोग किस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बीती हुई जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्रिएशन शुरू कर दिया था और कर दिया था शुरू हम लोगों ने एम टी डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अब किस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एन डी आर यानी कि नम पाई का यूज़ करते हुए हम अपने डेटा फ्रेम को किस कदर किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं अब देखिए ऐसी बात है कि हम लोग नम पाई को यूज़ में लेकर के आएंगे एंड ऑफ कोर्स उसके लिए numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमने numpy को इंपोर्ट है जो कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर ये क्या हो रहा है ठीक <laughs> है एक सेकंड हाँ मुझसे बार-बार जो की प्रेस हो रही है वो दूसरी हो रही एक है एक सेकंड रुकिए मुझे हाँ तो हम लोग यहाँ पर numpy as np कर रहे हैं ठीक है एक सेकंड हाँ ये टाइपिंग नहीं करने देगा। हम्म अब शायद हम टाइप कर भी पाए ओके okay, तो देखिए इम्पोर्ट नम्पाई एज एन पी सुपर डुपर मैम अब अपने एक एरे क्रिएट करते हैं ए वन से ठीक है ऑल दो ये आपके सिलेबस में है नहीं बट फिर भी आप कर लीजिए ठीक है क्योंकि इतना टफ नहीं है ओके okay, तो अपने क्या करेंगे एन पी डॉट और हम लोग एन पी डॉट एरे ठीक है आप अरेंज से भी कर सकते थे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इतना डीप नहीं जाएंगे सो so, मैंने यहां पर ग्यारह बाईस चौमालिस करके एक एरे है जो क्रिएट कर लिया ठीक है कॉपी करते हैं इसको अब ऐसा है कि एक बार हम इसी को डाल करके देखते हैं ए ठीक है A1. तो अब आप एक चीज पा रहे होंगे कि आपका देखिए यहाँ पर डेटा फ्रेम है जो इस कदर इस प्रकार से क्रिएट हो गया अब देखिए इसके ऊपर क्या आ रहा है आपका एक कॉलम का नंबर भी है जो लिखा हुआ आ रहा है एक बार आपको यहाँ पर देखिए ये आपके पास में आउटपुट आ रहा है एंड ये किस कदर किस प्रकार से आउटपुट आ रहा है ये ऐसे आपका आउटपुट है जो जनरेट होकर के आ रहा है ठीक है इसके थ्रू तो इसको आपको एक बार थोड़ा समझाते हैं जैसे आपके दिमाग में एक पिक्चर है जो जरूर क्रिएट हो जाए इसका एक सेकेंड यस अब मैं थोड़ी सी चीज चेंज करती हूँ और यहाँ पर एक सीरीज लिख देती हूँ ठीक है और मैं इससे भी आपको आपका जो आउटपुट है कंपेयर करके बताती हूँ जैसे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी एंड बिल्कुल वो पिक्चर आपको कहीं ना कहीं आ, सम, समझने में बहुत है जो मदद करेगी कि क्या करा आप लोगों ने ओके okay, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं क्या हमारा डेटा फ्रेम बात ध्यान से सुनेंगे सबसे पहले हम लोग इस को देखते हैं तो ये किससे से हम लोग वाकिफ़ हैं अच्छे खासे आ, हमने पैंडावस को इंपोर्ट किया नम्पाई किया और एक एरे हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर दैट्स कूल cool. अब इस ए वन को हमने सीरीज नाम का जो फंक्शन है उसके पैरामीटर में पास कर दिया और आप देख पा रहे होंगे कि इस कदर इस प्रकार से आपकी एक सीरीज़ क्रिएट होगी हमने कुछ नहीं किया है पूरे कोड को सेम रखा है बस सीरीज जहाँ लिखा है ना वहाँ पर हमने डेटा फ्रेम लिख दिया है और सेम चीज़ जब मैंने रन किया तो मेरे को सेम आउटपुट दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर एक चीज़ है जो अलग है वो है यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कॉलम है देखिए रो इसमें भी होते हैं और इसमें भी हैं ठीक है तो उसकी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो जीरो से सो so ऑन तक चलेगी जहां तक आपका डेटा है लेकिन ऑलवेज रिमेंबर स्टार्ट कहाँ से होगा जीरो से ही स्टार्ट होगा लेकिन इसमें आपके पास कॉलम जरूर आएगा क्योंकि ये रो और कॉलम्स का ही कॉम्बिनेशन है कौन आपका डेटा फ्रेम ठीक है लेकिन हमारी सीरीज के अंदर हम रो के साथ क्योंकि ये वन डायमेंशनल है और ये हमारा जो डेटा फ्रेम है ये टू डायमेंशनल है तो हम टू डी की बात कर रहे हैं और हम वन डी की इधर बात कर रहे हैं तो आपको दोनों में एक अंतर है जो पता चला इनके आउटपुट में किस कदर किस प्रकार से यहाँ पर देखिए इससे आपको ऐस, आपको ऐसा भी हो सकता है कि एक ये इनपुट दिखाए मतलब आउटपुट दिखाए सॉरी और ये एक आउटपुट दिखाए तो दोनों से आपको कहे कि आइडेंटिफाई करो पूछे कि भाई इनमें से डेटा फ्रेम का आउटपुट कौन सा है, तो आपको फिर उनमें से से करना होगा कि कौन से वाला डेटा का और कौन से वाला सीरीज का थोड़ा सा आगे ले करके चले? चले, किस्सा आगे बढ़ाते है और यहाँ पर वही चीज दोबारा से लिखते हैं अब देखिए तो हमने एक एरे से कैसे क्रिएट किया अब ऐसा ही आपके पास में जो क्रिएट कर लेते हैं वैल्यूज़ आप अब चाहो तो उसमें अलग डाल सकते हो जैसे मैंने इसमें डाल दिया आ, आ, नाम नेहा ठीक है मैंने डाल दिया सुमन मैंने डाल दिया कोमल मैंने डाल दिया ओम तो इसमें भी चार है और इसमें भी मैंने चार डाल दिया ठीक है अब एक और क्रिएट कर लेते हैं विच इज ए थ्री ठीक है और अब इसके अंदर हम कुछ जो है आ, मार्क्स डाल देते हैं ठीक है ओके okay, चार हो गए हमारे ठीक है तो ऊपर हम जो है हमारी क्लासेस रहने देते हैं क्योंकि हम इनको हेडिंग भी दे रहे होंगे तो तब थोड़ा सा मीनिंगफुल लगना चाहिए बारह ठीक है तो अब अपने क्या करते हैं एक चीज़ यहाँ पर कि मैं एक डिक्शनरी ले लेती हूँ ठीक है ओके डी आई सी टी डिक्शनरी अब उसके अंदर मैं क्या करती हूँ मैंने ले लिया क्लास ठीक है तो क्लास के अंदर देखो मैंने ए वन डाल दिया ठीक है मेरी ए वन एरे है फिर मैंने यहां पर ले लिया नेम ठीक है और नेम के अंदर मैंने डाल दिया यहां पर ओके okay, फिर मैंने देखिए ले लिया यहां पर मार्क्स ठीक है उसके वैल्यूज के अंदर डाल दिया ए थ्री ठीक है डिक्शनरी आपको क्रिएट करनी आती है बस अब हमने इसमें डी आई सी टी को डाल दिया तो अब आप एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर देखिए आपके पास में कैसे नेम ओम सारा कुछ आया है ना तो किस कदर किस प्रकार से आपके पास में देखिए हाँ यहाँ पर अगर आप नहीं देते तो मतलब इंडेक्सेस नहीं देते तो आपके पास में सॉरी अगर आप जो है कॉलम्स नेम नहीं देते तो जीरो वन टू थ्री आता खैर हम डिक्शनरी जब यूज़ करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि डिक्शनरी की जो कीज़ होती है ना वो हमेशा कॉलम्स की तरफ है जो जाती हैं ठीक है तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक मैपिंग होनी चाहिए कि डिक्शनरी की हमेशा जो कीज़ होंगी वो कॉलम्स की तरफ जाएंगे और रोज़ आपने दिया नहीं है तो वो इस कदर इस प्रकार से आ गया आप यहाँ पर दे भी सकते थे तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आर वन आर टू एंड मैंने लिखा आर थ्री uh, और एक और है मेरे पास में आर फोर है ना ठीक है तो यस अब मेरे पास बजाय कि जीरो वन टू थ्री के तो दैट्स कमिंग हाउ राइट अब इसमें आप बहुत दुनिया भर का चेंज है जो आप कर सकते हो इट्स टोटली अप टू यू ठीक है अप टू यू का मतलब है कि मैं यहाँ पर डिक्शनरी की बजाय मैं अगर एक आ, लिस्ट ले लेती हूँ और उस लिस्ट के अंदर मैं ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री देती हूँ और एक बार इसको भी हटा देती हूँ ठीक है तो अब आप एक चीज़ पाएंगे मैंने क्या किया मैंने ज़रा सा चेंज किया है कि यहाँ पर डिक्शनरी में पहले मैंने चीज़ें डाली थी ना अब मैंने उनको लिस्ट में डाल दिया ठीक है एरेज बनाए और उनको लिस्ट में पुट कर दिया तो ऑलवेज रिमेंबर जब हम लिस्ट में डेटा को डालेंगे ना तो हमारा डेटा हॉरिजोंटली जा रहा होगा ये चीजें प्रैक्टिस से अपने आप आ जाती हैं दिमाग में मैप हो जाता है कि अच्छा इस तरीके से ऐसे होगा इस तरीके से ऐसे होगा पहली बार देखोगे दूसरी बार देखोगे तीसरी बार देखोगे तो हर बार देखने से एक समझ एक अंडरस्टैंडिंग है ना वो स्ट्रांग और प्लस वन प्लस टू होती जाएगी अब देखिए इसमें क्या है आपका हॉरिजोंटली ऐसे डेटा आ रहा है इस कदर इस प्रकार से ठीक है तो यस अब इसमें देखिए आपके इंडेक्सेस और आपके कॉलम्स जीरो वन टू थ्री हैं एंड आप इनको चेंज भी यहाँ पर कर सकते हो जैसे कि मैं इनको इंडेक्स को पहले चेंज कर देती हूँ कितने इंडेक्स हैं आपके पास में बोले तो तीन हैं ठीक है तो अपने इंडेक्स के अंदर कुछ ऐसा लगा देते हैं जैसे मैंने कहा कि आ, पहले आ, हमने क्लास लिख दिया ठीक है उसके बाद में नेम लिख दिया फिर उसके बाद में मार्क्स कर दिया राइट right, तो जब मैं इसको रन कर रही होंगी तो मुझे इस प्रकार से ऐसे दिखेगा अब आप कॉलम की साइड लगा लीजिए कॉलम की साइड हम कुछ ऐसा करें कॉलम्स और कॉलम्स की साइड लेट सपोज कि मैं कहती हूं कि क्लास दस ठीक है फिर उसके बाद में मैंने कहा क्लास ग्यारह फिर मैंने कहा कि क्लास बारह और हमारे पास में टोटल चार रिकॉर्ड हैं तो एक क्लास हमें और देनी पड़ेगी ठीक है तो मैंने कहा क्लास बारह और साइंस वाले बच्चे ठीक है तो अब देखिए हमारे पास में कुछ इस प्रकार से हमारा डेटा है जो आ गया ठीक है ये मैपिंग हो गई आपके पास में जैसे भी होगा तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आप डिक्शनरी से करेंगे तो डिक्शनरी के जो कीज़ हैं वो ऊपर जाती हैं कॉलम्स की साइड और इंडेक्सेस आपको देने पड़ेंगे ठीक है और जब आप लिस्ट के तौर पर देखिए क्या चीज होती है दोनों चीजों को आप अपने लेवल पर इस तरीके से समझिए ओके सो गाइस अंडरस्टैंड करते हैं यहां पर देखिए कुछ बहुत ज्यादा हमने uh, कोई ऐसी भाषा या ऐसा कोई ऐसी कोई चीज नहीं की है कि जो आप कहो कि भाई अलग ही लेवल और अलग ही दुनिया की चल रही है आप अपने अकाउंट्स के आप अपने बी एस टी के कोई फार्मूलाज वगैरह होते होंगे अगर किसी के पास साइंस होगी तो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के मुझे याद नहीं है मैं बस आपको एक हौसला दे रही हूँ कि आप उनके फार्मूलाज याद कर लो और ये चुटकू सा प्रोग्राम सो so ईजी है ना तो चलो हौसला मिल गया होगा तो चलिए पैंडास कर लिया ठीक है नम्पा इंपोर्ट कर लिया दैट्स टोटली कूल अब देखिए आर क्रिएट करना है तो आपने क्या किया आर फंक्शन से एरे क्रिएट कर लिया

तो वो नेहा से सारा डेटा ऐसे ऐसे गया है ऐसे गया है ऐसे नहीं मैप हुआ है ऐसे मैप करने के लिए हमको डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ेगा तो ये मैपिंग है ना अपने दिमाग में एक अच्छे से प्लान जो है मतलब ये प्रैक्टिस से आएंगी चीज़ें ऐसा नहीं कि चुटकी में आज ही समझ में आ जाएंगी इट्स ओके okay, अगर आप आज पहली बार देख रहे हो या दूसरी बार देख रहे हो इट्स ओके टाइम टू टाइम ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ अपने आप दिमाग में फिक्स होती जाएंगी अब आपने क्या किया एक लिस्ट बना ली उस लिस्ट को आपने यहाँ पास कर दिया दैट्स इट अब आपको कॉलम और इंडेक्स दोनों के दोनों अपनी मर्ज़ी से चाहिए थे तो जो आपको चाहिए थे वो आपने बना दिए अगर मान लीजिए आप कहते हो कि हम ये नहीं देते तो अभी हमने देखा था था? ना क्या क्या हो रहा ठीक है? ओके. तो अब हमने दिया तो मतलब डिक्शनरी के टाइम पर ये देखिए हमारा डेटा इज कमिंग ऐसा हमारा वर्टिकल तो दिस इज ऐसा तो दिस इज ऐसा तो ऐसा तो ऐसा ऐसा तो हमारा ऐसा तो अभी हमें मैपिंग हो जानी चाहिए कि ऊपर ऑब्वियसली जो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं ना ऑलवेज रिमेम्बर जो डिक्शनरी की कीज़ होंगी वो हमेशा कॉलम्स की साइड भागती हैं ठीक है और हमें रोज़ जो है वो यहाँ इंडेक्स के अंदर देनी होती हैं तो हमने रोज यहाँ पर दे दी अगर नहीं देते तो रोज की जगह जीरो वन टू थ्री आ रहा होता ठीक है सो लाइक हाउ हमने कैसे 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 हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया तो क्रिएशन में हमारा जो दूसरा था कि हमने क्या किया एनडीएर ए का यूज़ यहाँ पर किया है हमने कोई मतलब कोई अलग दुनिया की चीज़ नहीं कर दी है कि जिसमें आप कहो कि अरे यार, यार ये तो बहुत ही टफ है नहीं समझ में आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर ओके कि जैसे कि मुझे इसके अंदर से क्या करना है ये कोमल का डेटा एक्सेस करना है ठीक है तो अपने क्या करेंगे सबसे पहले ये देखेंगे जैसे मैंने लिखा नेम ठीक है और रो कौन सी है इसके अंदर आप देखिए आपने कहा आर थ्री ठीक है, है तो आपके पास में इस कदर इस प्रकार से आपका डेटा एक्सेस होकर के आ गया कोमल राइट right, ठीक है uh, और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर मैंने कह दिया आर फोर आर फोर नाम की रो हमारे पास शायद नहीं है नहीं है ठीक है तो ओम आपके पास में इस कदर इस प्रकार से एक्सेस होकर के आ गया ठीक है और यही सेम किस्सा या यही सेम चीज़ हम तब भी कर सकते थे जब हम यहाँ पर एक क्या लेकर के आ रहे थे एक लिस्ट को लेकर के आ रहे थे ए वन एंड ए और अभी हमारे इंडेक्सेस थोड़े से मिसमैच हो जाएंगे तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दे रहा होगा और सेम चीज़ अगर हम चाहेंगे कि इसके अंदर जैसे कॉलम का नाम क्या है कॉलम का नाम है यहाँ पर ज़ीरो एंड रो कौन सी है इसके अंदर दो है ना तो ज़ीरो नंबर और दो तो बारह आपके पास में आंसर कुछ इस प्रकार इसका अंदर आना चाहिए ठीक है तो ये बात हो गई अब बातों में से बात निकल करके आती है कि आप ऐसा कर लो कि इसके अंदर कुछ डेटा को मिस कर दो ठीक है और अपने क्या करते हैं कुछ डेटा मिस कर देते हैं और अब अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो देखिए आपको यह क्या करेगा मिसिंग डेटा को नैन के साथ रिप्रेजेंट करेगा नैन की फुल फॉर्म होती है नॉट अ नंबर राइट right. ठीक है तो आप मिसिंग डेटा जो भी होगा उसको नैन के साथ में रिप्रेजेंट कर देगा बात कुछ भी नहीं हो रही कि आप इसमें रैप करके डाल क्या रहे हो आर यू पुटिंग डिक्शनरी अ डिक्शनरी और अ लिस्ट लिस्ट कर रहे हो तो रिमेंबर कि हॉरिजॉन्टली आपका डेटा जा रहा होगा वर्टिकली के लिए हमारा डेटा जा रहा होगा डिक्शनरी uh, के अंदर ठीक है तो डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो कॉलम बन जाएंगी लेकिन इसमें हमें पर्टिकुलर डॉट कॉलम मतलब कॉलम्स हमें जो है एट्रीब्यूट दे करके फिर हमें कॉलम्स इंसर्ट करने पड़ेंगे और ऑफ कोर्स इंडेक्स के थ्रू इंडेक्स इंसर्ट कर रहे होंगे और मिसिंग डेटा हमारा नैन के साथ रिप्रेजेंट होता है और कैसे इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस किया जा सकता है ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर थैंक यू सो मच एंड बाय बाय यस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ठीक है दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना बाय